हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर। उसके लिए सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो माइक्रोप्रोसेसर होता है हमारा, वो हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, बट जो माइक्रोकंट्रोलर होता है वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट होता है। और सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि माइक्रोप्रोसेसर में जो रैम और रोम है वो इंक्लूड नहीं होती हैं, बट माइक्रोप्रोसेसर में नहीं होती और माइक्रोकंट्रोलर में होती हैं। और जो माइक्रोप्रोसेसर की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट माइक्रोकंट्रोलर की कॉस्ट कम होती है हमारी। और जो माइक्रोप्रोसेसर है वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, बट उसी जगह पर माइक्रोकंट्रोलर कम पावर लेता है। और इसमें पावर सेविंग मोड्स भी होते हैं, बट माइक्रोप्रोसेसर में ये नहीं होते हैं। और माइक्रोकंट्रोलर में हमारे ज़्यादा रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा माइक्रोकंट्रोलर, बट माइक्रोप्रोसेसर में हमारे कम रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। और जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, बट हमारा जो माइक्रोकंट्रोलर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। और जो हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा है आर्किटेक्चर 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल से। हमारी इंटरप्ट कंट्रोल की यूनिट यहाँ पर होती है। उसके बाद आता है हमारा सीनियर इनपुट आउटपुट कंट्रोल। हमारे जो इंटरप्ट्स होते हैं उसमें हम INTR, RST 0 से लेके 7 तक और TRAP, ये हम 9 इंटरप्ट्स यूज़ करते हैं इसमें। और उसके बाद आती है हमारी 8 बिट की डेटा बस। जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 8 बिट की डेटा बस यूज़ होती है और 16 बिट की एड्रेस बस यूज़ होती है। ये हमारे इस डेटा बस में जो डेटा ड्राइवन कराएंगे वो है हमारा एड्रेस बफर और ये डेटा एड्रेस बफर। क्योंकि जो हमारी AD0 से AD7 तक होती हैं वो बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती है, उसमें इनपुट भी ले सकते हैं आउटपुट भी दे सकते हैं, बट जो हमारे एड्रेस बफर है वो A8 से A15 तक होती है और ये यूनि डायरेक्शनल होती है, सिर्फ एड्रेस जो है वो एक ही साइड जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो हमारा वैल्यू स्टोर करता है, बेसिक सबसे पहली जो वैल्यू स्टोर करता है वो एक्यूमुलेटर में ही होती है। उसके बाद हमारे आते हैं 3 टेम्प्रेरी रजिस्टर्स, जो हैं X, Y एंड Z, ये हमारे 3 टेम्प्रेरी रजिस्टर्स हैं। उसके बाद आता है फ्लैग रजिस्टर, इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर है एनकोडर। हमारी जब भी एक कोई भी हमारी मेमोनिक आता है, जब वो पहले क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है और फिर एनकोड करके हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में ALU को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारी कोई इंस्ट्रक्शन आती है MVI A01, इसका मतलब क्या है, इमीडिएट मूव कराना है 1 को A में, मतलब अब एक्यूमुलेटर में वैल्यू चली जाएगी 01। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है हमारी ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजेगा, जिसको डिकोड करेगा और मैनिपुलेट करके ALU में ट्रांसफ़र करेगा। ALU ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन होंगे, जैसे कि ये हो गया ट्रांसफ़र ऑपरेशन है, तो 1 कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में, A में, तो ये हमारा ALU परफॉर्म करके वापस से डेटा बस में भेज देगा। उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू है ये एक्यूमुलेटर में जाकर चेंज हो जाएगी। और हमारे ये हो गया स्टैक पॉइंटर, ये प्रोग्राम काउंटर और ये एड्रेस रजिस्टर्स। तो ऐसे ही हमारा आर्किटेक्चर बनता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। अब इन सारे टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा बस। डेटा बस क्या होती है, जो हमारी डेटा को ट्रांसफ़र कराती है हमारे माइक्रोप्रोसेसर में, वो हमारी 8085 में 8 बिट की डेटा बस यूज़ होती है। और उसके बाद आता है हमारा एड्रेस बस, जो हमारी यहाँ पर होती है 16 बिट की। और जो हमारी डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, बट हमारी एड्रेस बस ओनली यूनी डायरेक्शनल ही होती है। उसके बाद आता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर्स, कौन कौन से होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये हमारे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 में होते हैं। हर रजिस्टर 8 बिट का होता है।
एट बिट ईच, और हमारे ये होते हैं बी सी डी ई एच एल, ये हमारे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इनको हम पेयर में भी यूज़ करते हैं। पेयर में कैसे, हम इनको बी सी को एक साथ, डी को एक साथ और एच एल को एक साथ हम पेयर में यूज़ क्यों करते हैं, हमारा जो एक रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है, और अगर हमें कहीं पर 16 बिट मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इनको पेयर में यूज़ कर देते हैं, क्योंकि पेयर जब इनका बनता है तो ये 16 बिट के बन जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, हमारा डेटा को स्टोर करता है, जो हमारी जनरल वैल्यू होती है उसको स्टोर करता है। ये कितना होता है, ये हमारा 8 बिट का होता है। उसके बाद हमारे टेम्पररी रजिस्टर्स आते हैं। हमारे 3 टेम्पररी रजिस्टर्स यूज होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। हर एक रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है। नाउ उसके बाद जो हमारी ALU होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो भी 8 बिट की होती है। इसके 8 बिट होने का मतलब क्या है, जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी कोई भी, अगर वो 8 बिट या 8 बिट के से छोटी है जब भी वो सॉल्व हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे फ्लैग रजिस्टर्स। हमारे कितने फ्लैग होते हैं, हमारे 5 फ्लैग होते हैं 8085 में। कौन कौन से, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी और कैरी। इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं और कब होती हैं, अभी हम आपको बताते हैं। जब भी हमारा साइन बिट जो हमारी, अगर साइन हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए जो हमारी साइन बिट होगी 1 होगी, और नेगेटिव के लिए हमारी साइन बिट 0 हो जाएगी। बट उसके बाद आता है हमारा 0 बिट। 0 का मतलब क्या है, जब भी हमारी किसी इक्वेशन का रिजल्ट 0 होगा, किसी भी इक्वेशन का रिजल्ट 0 होगा तो ये 1 सेट हो जाएगी, अदरवाइज ये 0 हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी 8 बिट का कोई भी रजिस्टर होता है, उसमें जो हमारी 8 बिट है उसके 4th बिट, मतलब इस पार्ट को हम निबल बोलते हैं। निबल क्या होता है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन। जैसे कि 8 बिट का कॉम्बिनेशन 1 बाइट होता है, ऐसे ही निबल होता है 4 बिट का कॉम्बिनेशन। और जो निबल के बाद जो हमारी कैरी जनरेट होती है, मतलब हमारी थर्ड, ये हमारी 0 से स्टार्ट होता है तो हमारी ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ बिट पे, जो थर्ड बिट की जो कैरी फोर्थ बिट पे ट्रांसफर होती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। उसके बाद आता है हमारा पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या है, जब हमारे 1 इवन होंगे तो हमारा पैरिटी फ्लैग रजिस्टर 1 सेट हो जाएगा। अगर हमारे 1 जो है, नंबर ऑफ वंस इन फ्लैग रजिस्टर, नहीं सॉरी, एक्यूमुलेटर को अगर हम उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे अगर नंबर ऑफ वंस ओड होते हैं तो हमारा 0 सेट हो जाएगा, अगर इवन होते हैं तो 1 सेट हो जाएगा। और कैरी, कैरी बिट, अगर हमारी 8th बिट पर कोई भी कैरी आती है तो वो कैरी फ्लैग रजिस्टर में आकर स्टोर होती है। ये था हमारा फ्लैग रजिस्टर्स। अब हमारा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है, और ये इंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है, मतलब MVI A01, इस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है 8 बिट की फॉर्म में, मतलब 4 बिट जो ये ऑपकोड के लिए रखता है और बाकी की जो बिट बची हमारी 4 बिट्स, वो हमारी ऑपरेंड और डेटा के लिए ये रखता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारा 8 बिट का होता है और
ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, मतलब अगर हमारी ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है और हमारी जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो ये है MVI B02, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारी ये वाली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम काउंटर सेकंड रजिस्टर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट, इसका एड्रेस ये जहाँ पर स्टोर होगी उसको होल्ड करेगा, मतलब इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद आता है हमारा स्टैक पॉइंटर, जो हमारा स्टोर होता है सारे डाटा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो फीफो जो हमारा स्टैक का ऑपरेशन होता है पुश टॉप, वो उसमें स्टोर होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा स्टैक पॉइंटर हमारा एड्रेस होल्ड करता है लास्ट बिट रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो हमारा स्टैक होता है, स्टैक एक कंटिन्यूस मेमोरी को हम स्टैक बोलते हैं, और जिसका सबसे पहला जो मेंबर होता है या कहीं सबसे पहली बिट इसकी टॉप बोलते हैं, और इसमें इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फीफो फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो ये क्या करता है, एक तरह से ये लास्ट बाइट का जो एड्रेस है वो हमारा टॉप होल्ड करता है, तो स्टैक पॉइंटर हमारे टॉप को ही पॉइंट करता है। ओके, तो इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ लास्ट बाइट रिटर्न ऑन टू टॉप ऑफ स्टैक। जैसे जैसे हमारा डाटा रीड आउट होता है ये डिक्रीमेंट होता जाता है, मतलब हमारा फीफो फॉलो होता है यहाँ पर। जैसे हमने ये वाला डाटा रीड किया, उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसके बाहर भेज देंगे, उसके बाद नेक्स्ट डाटा आ जाएगा। तो जैसे जैसे डाटा रीड आउट होगा इट विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड। उसके बाद आता है हमारा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये यूनिट क्या करती है हमारी, ये हमारे इनपुट्स और आउटपुट जो भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं उन सबको हैंडल करती है। किसके थ्रू करती है, हमारी जो पिन होती हैं SIN और SOD, ये हमारी दो पिन होती हैं। ये किस लिए, इनपुट के लिए सीरियल इनपुट, और ये होता है सीरियल आउटपुट। ये हमारी दो पिन है जो पैरेलली डेटा ट्रांसफर में हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हेल्प करती हैं, पैरेलल डेटा ट्रांसफर में हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स हमारे क्या होते हैं, इट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, इट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू सब रूटीन बाय जनरेटिंग कॉल सिग्नल। ये क्या करते हैं, जब भी हमारा इंटरप्ट परफॉर्म होता है, मतलब इंटरप्ट क्या करता है, एक तरह से करंट एग्जीक्यूशन जो हमारा प्रेजेंटली एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको ये स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए, और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, प्रोग्राम जो चीज़ कंट्रोल कर रही है, जैसे कि अगर हमारी इस टर्म में हमारा जो ये डाटा ट्रांसफर कंट्रोल हो रहा है तो ये इसको स्टॉप करेगा, और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ट्रांसफर कर देगा सब रूटीन को, तो एक कॉल सिग्नल के जरिए ये स्टॉप करता है और ट्रांसफर करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरप्ट्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जो इंटरप्ट्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले आती है हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, और उसके बाद वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड, और तीसरी हमारी मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, जो हार्डवेयर पिंस के थ्रू रिसीव होता है, जो हमें हार्डवेयर पिंस के थ्रू रिसीव होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, INTR
RST 5.5, 6.5, 7.5 और होता है हमारा एक लास्ट ट्रैप। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर पिंस के थ्रू हमें रिसीव कराए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। और हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जो प्रोग्राम में इनबिल्ट होते हैं, मतलब इंसर्टेड थ्रू अ प्रोग्राम, जो हमारे एक प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। और इनका एग्जांपल क्या होता है हमारा RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे 7 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर्ड हमारे होते हैं जिनका फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस होता है, फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस, जिनका फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस होता है वो हमारे होते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। और इनके एग्जांपल क्या है हमारे, INTR को छोड़कर सारे हमारे वेक्टर इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब RST सारे। उसके बाद हमारा ट्रैप भी आता है इसमें, RST के सारे मोड्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5.5, 6.5 और 7.5 भी। और हमारे नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जिसमें वेक्टर एड्रेस जो होता है हमारा प्री डिफाइंड नहीं होता है, मतलब वेक्टर एड्रेस इज नॉट प्री डिफाइंड, जिसमें हमें वेक्टर एड्रेस खुद डिफाइन करना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स। जबकि हमारे वेक्टर्ड में जो एड्रेस होता है वेक्टर एड्रेस वो फिक्स्ड होता है, और हमारा जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है वो सिर्फ एक ही होता है, कौन सा INTR, ये हमारा ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। उसके बाद आता है हमारे मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। मास्केबल क्या होते हैं, डेट कैन बी डिसेबल्ड, डेट कैन बी डिसेबल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के हम शॉर्ट फॉर्म लिख ले हैं MIPI, म्यू से माइक्रो, पी से प्रोसेसर। तो मास्केबल क्या होते हैं, जो हमारे डिसेबल हो सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में मास्केबल और नॉन मास्केबल को डिसेबल और एनेबल करने का स्विच होता है। तो और हमारा जो एग्जाम्पल है मास्केबल इंटरप्ट्स के वो क्या है, INTR, RST 5.5, 6.5 और 7.5, ये हमारे चार मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं, डेट कैन नॉट बी डिसेबल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, डेट कैन नॉट, कैंट बी डिसेबल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। और इसका जो हमारा एग्जांपल है वो सिर्फ एक ही है, क्या हमारा है ट्रैप, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 की किट में, तो इसको हम जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको डिसेबल नहीं कर सकता है अपनी तरफ से। तो ये हो गया हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये हमारी तीन कैटेगरीज थी इंटरप्ट्स की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हमारे पांच एड्रेसिंग मोड्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकंड इज हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, थर्ड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड द लास्ट एंड फिफ्थ इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये हमारे पांच मेन एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, और इनको हम लास्ट अपने MPMC जब हमने पढ़ा था 8085 माइक्रो प्रोसेसर लास्ट सेमेस्टर में, उसमें भी डिटेल में किया था। तो आई होप इनको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एज दी देयर नेम सजेस्ट किए क्या वर्क करते होंगे। इमीडिएट का मतलब हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, इमीडिएट का मतलब है A0M, जब भी हम इमीडिएट वाला मेमोनिक यूज़ करते हैं तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में काउंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम
वन कोड डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जब हम एमओवी ए 02, जब हम इमीडिएट की बजाय हम 2 को एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली ट्रांसफर कराते हैं, ये होता है हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर या कहीं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर डायरेक्ट। रजिस्टर डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि मूव कराते हैं ए को बी में, हम इस रजिस्टर को डायरेक्टली मूव कराते हैं ए में, ये हो गया रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का मतलब हम मूव कराएंगे ए में जो हमारा 3001H, जो इस एड्रेस पे हमारा स्टोर एड्रेस, उसको हम ए में ट्रांसफर कराएंगे, इसे बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। और इम्प्लिसिट मोड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम इम्प्लिसिटली ट्रांसफर कराते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है LXIH, मतलब इसमें हमें कोई भी रजिस्टर या कोई भी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली H की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड करा देते हैं, ये होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन सेट्स कितने होते हैं हमारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, वो होते हैं हमारे 5। तो सबसे पहला होता है हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन डेटा को मूव या रीड राइट ये सब ऑपरेशंस कराने के लिए यूज होती हैं। सेकंड आता है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती है हमारी, ऐड, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट विद कैरी, ऐड विद कैरी, ये सब अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको यूज कराने के लिए होती हैं। और हमारा थर्ड आता है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि हम ट्री यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा को हम एक पर्टिकुलर डेटा की तरफ पॉइंट कराते हैं, मतलब एक तरह से हम ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आती है हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारी लॉजिकल शिफ्ट राइट या लेफ्ट, ऐसे जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एंड, और, नैंड, नॉट, एक्सोर, ये सब कराने के लिए जो हमारी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं वो होती हैं लॉजिकल। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जो डेटा का ट्रांसफर होता है हमारा उसको कंट्रोल करती हैं वो सारी होती हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। अगर आप सिर्फ इतना भी करके जाते हैं तो आप कंप्लीटली इस यूनिट में स्कोर कर सकते हैं इजीली। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो हमें हमारे चैनल या स्टडी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।